सब गाइस, कैसे हैं आप लोग? आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे, जिसका नाम है रोड फूड एंड थ्री डूड्स। तो आपको लेके आए हूं मैं नए लोकेशन पर और नए वीडियो के साथ। और आज का वीडियो थोड़ा सा होने वाला है खास, क्योंकि हम लोग करने वाले हैं ओनर्स रिव्यू। आपको पता है कि नितिन हमारे ग्रुप का जो मेम्बर है, उसके पास की गाड़ी है सीबी हॉर्नेट 160R, जो 2018 मॉडल है। और देखते हैं कि अभी वो गाड़ी में क्या खास है, नितिन ने उस गाड़ी को क्यों ऑप्ट किया और क्या क्या ड्रॉप किया। और अभी तो वैसे गाड़ी डिसकंटिन्यू हो गई है, बट फिर भी अभी जलवा है इस गाड़ी का। नए नए मॉडल्स आ रहे हैं और ये BS4 वर्जन है, अभी तो BS6 आ रहा है और ये 160 में है, अभी 200 मॉडल्स आ रहे हैं। तो चलिए जानते हैं इस गाड़ी के स्पेसिफिकेशंस के बारे में, क्या खास है इस गाड़ी में, और इसमें और जो नए वर्जन आ रहे हैं उस गाड़ी में क्या डिफरेंसेस हैं। ने सिनेमेटिक्स तो देख ही लिए होंगे इस बाइक के, तो अब आगे चलते हैं और बुलाते हैं नितिन को, जो इस बाइक का ऑनर है, और उससे पूछते हैं कि इस बाइक में क्या उसे खास लगी। और तो नितिन, वेलकम। थैंक यू, वेलकम टू आवर चैनल रोड फूड एंड। अभी अब मार्केट में बहुत सारे बाइक्स आ गए हैं, बजाज की है, होंडा है, KTMs हैं, और उस वक्त भी थी जब तुमने ली थी इस बाइक को, है ना, उस वक्त भी होंगे ये सब ऑप्शंस। तो हमें व्यूअर्स को ये बताना है, या आप बताइए आपका एक्सपीरियंस है कि ये बाइक में ऐसी क्या खास बात है कि आपने इसके लिए बजाज की जो इतनी टफ कॉम्पिटिशन, जिसके बजाज पल्सर सीरीज, उसको आपने छोड़ कर ये ली। तो सबसे पहले मुझे बताइए, इस बाइक को आपने कब लिया? ये बाइक मैंने परचेस की थी 6 जून 2018 को। ओह, मतलब आपके बर्थडे पे। अच्छा, और ये बाइक कहाँ से और कितने में पड़ी आपको? ये मैंने खंडवा से उठाई थी और 2018 में मुझे ये 1,10,000 रुपये की कंप्लीट पड़ी थी। 2018, हाँ, मतलब 3 साल ऑलमोस्ट हो गए। तीन से चार साल हो गए, और फिर भी अभी तो आपकी बाइक आपने ऐसी रखी हुई है एकदम नई की नई। हाँ, मैं रखता ही ऐसी हूँ मेरी बाइकों को। उसके पहले मैं पल्सर ओन करता था 150cc, जो 2006 वर्जन था। अच्छा, तो वो भी उसकी हालत बहुत अच्छी थी, कोई कलर फेड नहीं हुआ था, कुछ नहीं हुआ था। मतलब ये आप देख रहे हैं कि एक पल्सर चलाया हुआ बंदा, पल्सर सीरीज छोड़कर जो फेमस है, मतलब जो टफ, मतलब आपको सब रेंज मिल जाती है उसमें, उसकी वो हॉर्नेट पे। ये आपने बाइक क्यों ली? ये बाइक मैं लेने का मेन मकसद ये था कि पहले भी मैं 150cc चला चुका था, उसके बाद जब मेरे को अपडेट करने का मौका आया, दूसरी गाड़ियाँ और भी देखी मैंने, लेकिन वो बात नहीं बन रही थी। वो एक जो थ्रिल होता है वो नहीं मिल रहा था। मैंने NS200 ट्राई करी, NS160 ट्राई करी, उसके बाद फिर यामा पे गया, यामा की गाड़ियाँ ट्राई करी, लेकिन वो मज़ा नहीं आ रहा था। मेन चीज़ मेरे पास ये थी कि मुझे एक गाड़ी ऐसी चाहिए जो जिसमें रियर डिस्क मिले मेरे को। मेन प्रेफरेंस मेरा रियर डिस्क का था कि मुझे रियर डिस्क मिल जाए। तो ऐसी गाड़ियों में मुझे पल्सर 200 मिल रही थी NS, लेकिन उसका एवरेज डाउन था। फिर एवरेज भी थोड़ा बहुत तो चाहिए, क्योंकि सिटी क्रूजिंग कर रहे हो आप, तो थोड़ा बहुत तो एवरेज चाहिए। दो गाड़ियाँ मेरे को बहुत फेवरेट लग रही थी, मैंने दो को करके रखा हुआ था कि या तो इसके अगेंस्ट में दो गाड़ी और। हाँ नहीं, ये प्लस NS200, दोनों में आपको सिलेक्ट करना था कौन सा, कि कौन सी बाइक लूँ। तो प्रोज एंड कॉन्स दोनों के देख रहा था मैं, इसके थोड़े ज़्यादा प्रोज देखे मुझे, प्लस इसका थोड़ा प्राइस भी थोड़ा कम था। क्या प्राइस में इसके और उसमें क्या डिफरेंस था? ये पड़ रही थी उस टाइम, मैंने बताया आपको, 1,10,000 रुपये की पड़ी थी, वो अराउंड 175 पड़ रही थी, 1,75,000। और मेरे को ऐसा कुछ वो नहीं लगा कि सिटी के अंदर इतनी फास्ट बाइक चलाना है, क्योंकि फास्ट जितना CC आप बढ़ाओगे उतना एवरेज डाउन होगा। और मेरे को मेनली सिटी में ही चलानी थी, बाहर जाना है तो फिर दूसरी गाड़ियाँ इस्तेमाल करते हैं, कार वार ले जाते हैं, तो सिटी के हिसाब से थोड़ा बहुत एवरेज मिल जाए, 40-45 का भी मिल रहा है तो भी बहुत है। तो उस हिसाब से मैंने इसको फिर तो फिर भी अगर जैसे आप मान लीजिए आप पल्सर ओनर रह चुके हैं, तो आपने दोनों चलाई, ये और वो, चलान में कोई फ़र्क पड़ा आपका? कुछ पार्ट्स होंगे, कुछ इश्यूज आए होंगे आपको उस दोनों में कंपेयर करें तो? लेकिन मेरे को इसमें एक चीज़ ये लगती है कि जब गाड़ी जैसे आप स्टार्ट करेंगे फर्स्ट गियर से लेके आप 6th गियर की बात कर रहे हैं, तो
जो गियर रेशो हुआ और जो गाड़ी उठती है उसमें, ये मिनिमम जो आरपीएम है और मिड रेंज जो आरपीएम है उसमें बहुत कमाल की है। अच्छा, मिड और लोअर आरपीएम बहुत अच्छा है। हाँ, इसका। लेकिन जब हाई आरपीएम पे, मतलब 70 के ऊपर जब जाती है गाड़ी, जब हाई आरपीएम पे 70 के ऊपर, हाँ 70-80 के ऊपर, जब मुझको इतना फील नहीं आता गाड़ी में कि मतलब हाँ दम, ऐसा लग रहा है कि वो दम लगा रही, बहुत ज़्यादा दम लगा रही है, मज़ा नहीं आता। वही मैं पुरानी जो थी पल्सर, वो हिलती डुलती बहुत थी लेकिन इंजन उसका सॉलिड था। यहाँ हायर आरपीएम पर थोड़ा दिक्कत लगता है मेरे को ये गाड़ी का, बाइक लेने में। किन तो नहीं, तो मुझे बताइए ऐसी प्रॉब्लम्स जो आपको फेस करना पड़ी इस बाइक में। स्टार्टिंग करी जाए तो इसकी सीट, इसकी सीट इतनी हार्ड है कि आपके बम दुखने लगते हैं, लिटरली दुखने लगते हैं, क्योंकि मैंने प्रॉब्लम फेस करी है अभी इस पॉइंट पे। मैंने यहाँ पे जो देख रहे हो आप, यहाँ सॉफ्ट मटेरियल डाल के रखा हुआ है, ये सॉफ्टी, इसलिए ये ऐसी दब रही है। वही आप पिलियन सीट देखोगे तो यहाँ कुछ नहीं दब रहा। तो यही स्थिति स्टार्टिंग में थी, जो ये बहुत दिक्कत देते थे मेरे को। दूसरी चीज़ मैं ये आपको बताऊँ, दूसरी चीज़ ये थी कि जो इसकी चेन है, चेन को इसको बार बार लूप करना पड़ता था। कभी आप लूप नहीं करो तो बहुत बुरी आवाज़ करती थी। एक अच्छा, तरीके वो पल्सर में भी प्रॉब्लम थी शायद। हाँ, स्टार्टिंग में थी पल्सर में, लेकिन अब ठीक है। लेकिन इसमें मैंने देखा पुरानी ये गाड़ियों में और नई गाड़ियों में भी सेम प्रॉब्लम यही आ रही थी। मतलब कंपनी ने रिजॉल्व नहीं किया, नहीं हो पाई ये। तीसरी बोला जाए, इसकी जो DRLs दे दिए हैं और लाइट जो है उसको LED कर दिया है, लेकिन इसका जो थ्रो रहता है, कभी आप रात में चल रहे हो, सिटी में चल रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जैसे आप हाईवे पे जाओगे तो जब हेडलैम्प दूसरी गाड़ी का सामने पड़ता है तो आपको जो रोड दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाता है, बनिस्पत जो येलो लाइट्स पहले आती थी। पहले जो कोई ट्रक आ रहा है सामने से तो आपको इसका थ्रो नहीं दिखता, वो जो हेलोजन लाइट जलती है ना उसका थ्रो ज़्यादा दिखता है, इसका नहीं दिखता। इसका सिर्फ सिटी में दिखेगा आपको, बाकी नहीं दिख पाएगा। इसमें जो ये प्लास्टिक के जो लाइट वाइट लगे हुए हैं, क्वालिटी क्वालिटी इशू रहता है इसमें, थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। जब मैंने भी नहीं ली थी तो विदिन 2 or 3 months में इसमें ये होता था कि जो आप पास लाइट है ये अटक जाता था। अच्छा, तो हाई पे है तो हाई पे ही रहेगा, लो पे है तो लो पे ही रहेगा। तो ये थोड़ी प्रॉब्लम आई थी, और जैसे देखा जाए तो इतना चीप क्वालिटी लगता है ये मेरे को एज़ कम्पेयर टू बजाज बाइक। क्योंकि इसमें वो लोग बैकलाइट भी देते हैं। हाँ, इसमें तो नहीं है। नहीं, एक चीज़ और मैं बताऊँगा कि जो आप बोल सकते हो कि इसके साथ आपको इंजन किल स्विच नहीं मिलता, वो अभी तक नहीं मिला था। हाँ, इंजन किल स्विच बहुत ज़रूरी रहता है, नहीं तो फिर इंजनिशन से गाड़ी बंद करनी पड़ती है। तो वो एक चीज़ ये थी हमारी कुछ जो ओनर को नहीं पसंद आई इस बाइक में, जो प्रॉब्लम फेस करी। अब ये हर किसी के लिए अलग अलग होती है, बट मेजर इशू तो है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, थ्रो नहीं, जो इंपॉर्टेंट है यार, किसी को भी बाहर हाईवे जाकर इतनी अच्छी गाड़ी लेगा तो हाईवे पर तो जाएगा ही। तो ये चीज़ 2-4 चीज़ जो हमारे ओनर्स को अच्छी नहीं लगी, ये आपको ध्यान रखिएगा लेने के पहले। नितिन, इसकी जो टंकी है, ये टैंक जो है, कितने फ्यूल कैपेसिटी है? ये दिखता बहुत बड़ा है लेकिन इसकी कैपेसिटी सिर्फ 12 लीटर ही है। और होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और इसी तरह हम लोग और नए नए वीडियोज लाते रहेंगे, नए डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करते रहेंगे। तो अच्छा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में हॉर्नेट भी करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।